मैं आपको शेयर कराने वाला हूँ नंबरों की। और आज की वीडियो में हम आपको जीरो से किसी भी नंबर की एडिशन करना सिखाएंगे। चलो चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी क्लास में। पेन प्लीज। गलत कर देती हूँ। अब जैसे कि मैं आपको एक बार सर जी नमस्ते। सर जी आप आज हमको क्या पढ़ाने वाले हो आप? आज मैं पढ़ाऊंगा एडिशन जीरो से कैसे करते हैं। मतलब किसी भी नंबर में जीरो को कैसे ऐड करते हैं, मतलब किस कोई भी नंबर हो, हमारे पास इतना छोटा नंबर हो या इतना बड़ा नंबर हो, उसमें जब हमें जीरो ऐड करना होता है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं सर जी? जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसमें एक ट्रिक होती है। आपको ऐसे कुछ ऐसे ऐड करने का नहीं होता। जो 5 लिखा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ऐसे 5 लिखा है, तो यहाँ पे 5 ही देख के यहाँ पे अगर 5 लिख दो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे 9 लिखा हो और आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इनके सर जी के कहने का मतलब मुझे ये लग रहा है कि सर जी कह रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमको वही नंबर मिल जाता है। अगर जीरो के अलावा कोई और नंबर ऐड करते हैं तो हमें ऐड करना पड़ेगा, काउंटिंग पढ़नी पड़ेगी फिंगर्स पे। अगर लेकिन जीरो को ऐड करना है तो सेम टू सेम वही नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि इनके पास 5 टॉफियाँ हैं और मेरे पास भी कुछ टॉफियाँ थी पर मैंने इनको दी नहीं, इनके पास कितनी टॉफियाँ रह गई? जीरो। 5 ही तो रह गई। 5 ही तो रह गई जब मैंने अपनी टॉफी इनको दी नहीं, इनके पास जितनी थी उतनी टॉफी हैं, तो इनको कोई भी टॉफी मिली नहीं, तो इनके पास उतनी टॉफी रह गई। ऐसे ही यहाँ पे 5 टॉफियाँ थी और इसको जीरो टॉफी का मतलब कोई भी टॉफी नहीं, तो हमारा सेम नंबर आ गया, उतनी टॉफी रह गई। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर हो, 19 हो, 12 हो, 1000 हो, कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पे वही सेम नंबर आ जाएगा। तो मतलब कोई भी नंबर हो, छोटा सा छोटा नंबर हो, बड़ा सा बड़ा नंबर हो, जीरो अगर हम किसी में भी ऐड कर रहे हैं तो सेम हमारा वही नंबर आ जाएगा। जैसे कि सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन बताइए, तो मैं दूसरा पेन निकालती हूँ। यहाँ पर मैं दूसरा पेन दे रही हूँ, छोटा है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, सेम वही नंबर। ऐसे यहाँ पे जो होता है नंबर, वही सेम नंबर हमें यहाँ पे 3 है, वही सेम 3 नंबर यहाँ पे हमें कॉपी करके लिख देना। मतलब 0 3 में हमने 0 को ऐड किया, या कह लो 3 में हमने 0 को जोड़ा, तो सेम वही हमारा नंबर आ गया। अच्छा मैंने इस वाले में बताया था कि क्या कैसे होता, तो आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। इस चीज का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट तो ओपन नहीं होंगे क्योंकि बच्चों के वीडियो पे कमेंट नहीं ओपन होते हैं, तो तुम ही बता दो क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा जो ये लिखा है वही 100 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 100 में हमने 0 को ऐड किया तो हमारे पास 100 आ गया। अब सर जी यहाँ पे कुछ आंसर हमारे करिए। अच्छा जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी, यहाँ लिख, ये हॉरिजॉन्टल में है हमारे क्वेश्चंस और ये हमारे वर्टिकल, सेम वही क्वेश्चन है, बस ये हॉरिजॉन्टल में है, ये हमारे वर्टिकल में है, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे कि किया है कि मैंने यहाँ पर इधर से लाइन खींच दी थी, लेकिन आपको लाइन नहीं खींचनी है, मैंने बस आपको बताने के लिए खींची है लाइन। और इसमें होगा कि अगर यहाँ पे 0 है तो इसका आंसर यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 1 में हमारा कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो हमारा 1 आ जाएगा। हाँ, ओवरऑल कहने का मतलब है 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं सेम वही नंबर हमको मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे आंसर 8 हो गया, 6, ऐसे सेम आंसर होगा। और अगर 0 में 0 है, 0 की में 0 अगर प्लस करें तो 0 ही आ जाएगी, जैसे कि 8 और 0 करें तो वही आंसर आ जाएगा, 0 प्लस 0 करें तो वही आ जाएगा सेम। 0 में भी अगर 0 को ऐड करते हैं तो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है, कुछ और नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको करिए सर जी,
इसमें जैसे कि है तो इसमें वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, वही इसकी तरह से वन है, उसमें अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एडिशन में जीरो की प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जब किसी नंबर से हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तब हमारा क्या आंसर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लास को उधर बोलो सर जी, आज की क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, तब तक लाइक देखिए।